डील्स कैसे होता है, आपको डील किस ढंग से करना चाहिए, इसके बारे में आज बात करते हैं। मैंने अभी हाल ही में एक कुछ डील्स क्लोज किया, मैं बोला उसकी जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करो। नंबर वन, जब भी मैंने उनके साथ एक बात की मीटिंग हुआ, एक मीटिंग मैंने किया उनके साथ, तो उनको चीज़ें बताई क्या होता है कैसे होता है, परफेक्ट टाइमिंग, मतलब टाइमिंग में एंट्री करना, उनको डिटेल बताया। कि फिर मैंने उनसे समझने की कोशिश की आप क्या क्या करते हो, तो उन्होंने बताया मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, रिजल्ट्स कुछ नहीं आ रहा है, मेरा धंधा नहीं पड़ रहा है, मुझे कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। ओके फाइन, ओके तो मैं थोड़ा अभी जल्दी में हूँ, नहीं नेक्स्ट टाइम मिल सकते हैं क्या हम लोग, बोला ओके फाइन। सो जल्दी में थे तो निकल गए, नेक्स्ट टाइम मैंने गया तो नेक्स्ट टाइम मैं बोले तो वो कुछ लेट आए थे, फिर मैंने पूरा डिटेल बताया, समझाया उनको कैसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे चुटकी में हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ मालूम है कि इनको आइडिया नहीं है कि क्या कर रहे हैं। लाखों लाख रुपया देके, करोड़ों रुपया डाल के उन्होंने धंधा तो चालू किया, चल भी रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ की चीज़ अटकती है, किसको स्क्रू टाइट करना है ये उनको पता नहीं है, कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि सिर्फ मेरा इतना स्क्रू टाइट करना काम है और गाड़ी चल पड़ेगी, मुझे मालूम है, हाँ उसका फीस लगता वगैरह, तो मैंने ये सब बताया, ऐसा ऐसा होता है, मैं करूँ, ओके ओके वेरी गुड, तो उनको समझ में आ गया। फिर बोला ओके काम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट मीटिंग में पूरा डिटेल आप मुझे लेके आ जाओ, फिर पेमेंट करके हम लोग डील क्लोज करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। मैंने बोला नहीं, बोला क्या, अभी इसके बाद कोई मीटिंग नहीं होगा, मीन्स आपको डील नहीं करना है, वो आपको डिसाइड करना है, इसके बाद कोई मीटिंग होगा, मैं एक मीटिंग में फिनिश करता हूँ, लेकिन एक मीटिंग में आपने बोला उस दिन जल्दी जाने का, इसलिए मैंने छोड़ दिया, सेकंड मीटिंग आपके साथ कर रहा हूँ, सेकंड मीटिंग में क्लोज करना चाहिए। तीसरा मीटिंग हमारा तभी होगा जब आपका फंड ट्रांसफर, पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा, उसके बाद मैं आऊँगा आपसे डिस्कस करने के लिए, आपकी कंपनी के बारे में जानकारी देने के लिए, आपकी कंपनी में कैसे कैसे चीज़ें कर सकता है वो सब बताने के लिए मैं आऊँगा, आपका पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होने के बाद, क्लियर। ज़्यादातर डील कैसे, ओके सर कुछ करिए ना सर लेट हो गया, नहीं भाई, आपको अपना धंधा बढ़ाने में कितना इंटरेस्टेड है, कितना जल्दी करना, उतना ही मेरा भी है, राइट। और मैं आप मेरा डील लेके कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हो, आपका धंधा बढ़ेगा मुझे कुछ मेहरबानी नहीं कर रहे हो, उसके लिए आप फीस दे रहे हो मुझे, इतना डिफरेंस है। तो आप जो भी डांस करोगे, नचाओगे, कुछ भी करोगे, मैं नहीं कर सकता। ये मैं कब बोल सकता हूँ, जब मेरे पास इनके बाद 20 लीड्स रेडी है, उनको मीटिंग करना है, वो सब क्लोजिंग वो भी चालू है। इतना टाइम पास करने वाले को आगे भी मेरा टाइम पास बहुत होगा, नहीं आज ही खत्म करो, सीधा सीधा मुंबई बोला। मेरा चेन्नई से एक बिजनेस कोचिंग के लिए कॉल आया, बोला सर आप कब आते हो चेन्नई, आपसे बात करना है, हमारा बिजनेस कोचिंग आप सेटअप करके दीजिए हमें, आपका जो भी फीस होगा हम लोग देने के लिए तैयार है, सब कुछ है। मैं बोला ओके, एक काम करिए आप जो भी बात करना है ना, आप टापन फिक्स करिए, हम लोग एक घंटा दो घंटा सीधा फ़ोन पे मैं आपको सब चीज़ समझा दूंगा, और मुझे भी पता चलेगा कि क्या मैं सच में आपको हेल्प कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। जब मुझे समझ में आएगा हेल्प कर सकता हूँ आपको, सब चीज़ होगा, फिर आप मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे बिजनेस डील डन करके, उसके बाद मेरा फ्लाइट टिकट आना जाने का सब कुछ खर्चा मैं करूँगा, मैं उसके बाद आऊँगा आपसे मीटिंग करूँगा, मेरा बिजनेस डील ऐसा है। ऐसा नहीं कि आपने पैसा डाल दिया, ठीक है एक बार चलो ये 10-20 हज़ार खर्चा होगा, चलो चेन्नई जाते हैं एक बार मिलके आते हैं, डील क्लोज हुआ नहीं हुआ, अभी ऐसा थोड़ी है, एक बार जाके मिलना तो पड़ेगा ही ना, बार बार जाने ऐसी थोड़ी है, एक ही बार में सब डील होता है, आपको ट्राई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सब कुछ है ना भाई, वो समय खत्म हो गया अभी। ओके तो बोलिए डन, मैं आता हूँ, आगे का डील हम लोग बात करते हैं। मैं ऐसे ही टर्म्स में बात करता हूँ, ठीक है, बिजनेस कोचिंग, बिजनेस कैसे करना है, डील कैसे करना है, ये सब चीज़ आपको क्लियर मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे कस्टमर अपना डील एक्शन ले रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे डील को मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं क्योंकि इस तरह से बात करता हूँ, ओके, मैंने 7-8 लाख रुपया ऐसे बिजनेस ठोकरा के आ गया। अगर आप 15 तारीख से पहले मुझे फंड ट्रांसफर नहीं करते हो, इसके आगे कभी मैं आपसे बिजनेस कोचिंग नहीं करूंगा, आप कभी मेरा क्लाइंट नहीं बन सकते हो। हाँ हम लोग फ्रेंड्स रह सकते हैं, हाय हेलो कभी मिल सकते हैं, बस दैट्स इट, क्लियर बोला और मैं करता हूँ उनके। उसके बाद मेरा एक कॉल 15 तारीख 14 तारीख तक उनका फॉलोअप मैसेज जाता है, 15 तारीख 12 बजे के बाद मेरा एक मैसेज एक कॉल नहीं जाता उनको, वो मेरा चैप्टर से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति मेरे पास आएंगे ना तभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनके एटीट्यूड उनकी सोच विचार नहीं होना चाहिए, मुझे इमीडिएट एक्शन करने वाला चाहिए। मेरे कुछ ऐसे
क्लाइंट्स हैं जो मैं बोलने पे सर क्या करना है, ठीक है कल मैं आपको 50,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो मतलब 50,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो जाता है। बाद में उनके साथ जब भी लफड़ा होगा, कुछ होगा, चेंजेस होगा, कुछ भी होगा, चलेगा, उसके बाद मैं कभी उनको छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि वो माइंड के पक्के हैं। पैसा आया गया, क्या किया उसके मतलब नहीं, जो बोलते हैं करते हैं, उनका शार्प विजन है, एक्शन है। सो बिजनेस सिर्फ पैसा लेने देने से नहीं होता है, उसका भी कुछ क्वालिटी होता है। हम लोग बिजनेस करते हैं मतलब पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, हमारा आप बिजनेस, आप क्वालिटी, आप सर्विस देते हो, पैसा लेते हो, भीख नहीं मांगते हो। सो वो वट होने चाहिए आपके साथ। थैंक यू।